हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। सो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम अपग्रेड हुआ है और पासिंग क्राइटेरिया किस प्रकार से चेंज हुआ है। इन सभी चीज़ को लेकर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा जो सबसे मेन कन्फ्यूजन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में है, जो कि काफ़ी सारे मैसेज मुझे मिले, इसके कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको सारी कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि अगर उन्होंने एक पेपर नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी सारा जो पेपर्स है काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये हुआ है कि उनका फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर किसी न किसी कारणवश से छूट गया है। जैसे कि फर्स्ट पेपर काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैंने खुद देखा है कि टाइमिंग के कारण छूट गया है, क्योंकि फर्स्ट डे उनको जो है सिटिंग प्लान का नहीं पता था और काफ़ी चक्कर में इसी चक्कर में जो है उनका फर्स्ट पेपर छूट गया है। और इसके अलावा जो है दूसरी कन्फ्यूज़न ये है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिले हैं जिनका मैसेज आया है कि सर हमने एक भी पेपर नहीं दिया है अभी तक, तो जो दो तीन पेपर बचे हैं क्या उनका पेपर मुझे देना है या नहीं देना है। इसके अलावा एक और कन्फ्यूज़न है कि जो स्टूडेंट इस सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे क्या उनको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को लेकर जो है मैं आपको आगे इस पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप करें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इससे पहले कि मैं आपको ये सभी बताऊं, तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि जो पैटर्न सिस्टम था हमारा वो पूरा चेंज हो गया है। तो इस सिस्टम में जो हमें देखने वाली बात है, जो इंटरनल असेसमेंट वाला सिस्टम था, जो कि इंटरनल असेसमेंट का, उसके अंदर एक चीज और जोड़ दी गई जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट। तो ये कंटिन्यूस असेसमेंट जो जोड़ दिया गया है ये थोड़ा डिफरेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। तो जिन भी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है उनको NEP के तहत एडमिशन हुआ है, तो NEP के तहत जिनका भी एडमिशन हुआ है उनका जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है पहले की तरह। तो जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है उनका इंटरनल असेसमेंट अलग है और इनका असेसमेंट अलग है। तो जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले उनका बेसिकली क्या है कि 25% जो है उनका जो है इंटरनल असेसमेंट है, प्लस में 75% जो है उनका जो है थियरी वाला है, तो 25 और 75, ठीक है, तो 100 मार्क्स का उनका हो गया। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस पूरे फॉर्मूले को ही चेंज कर दिया है। तो पूरा फॉर्मूला क्या है, किस तरीके का है, क्योंकि जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे इसमें स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काफी सारा जो चेंज हुआ है वो है नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम उसके अंदर डाला गया, और इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंक्रीजमेंट कैसे किया जा सकता है इस चीज को इसके अंदर डाला गया। द वेटेज ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो एंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसका वेटेज क्या रहेगा, उसको किस तरीके से देखा गया है। तो जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो सिस्टम जो है पहले का जो सिस्टम था, यानी कि 25% जो होता था आपका वो होता था इंटरनल असेसमेंट, और 75% जो आपके मार्क्स होते थे वो होते थे आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के। तो इस तरह टोटल मिलाकर हो गया आपका 100 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये रेशो चेंज कर दिया गया है, और ये जो है आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है वो कोई 75 मार्क्स का नहीं हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के ज्यादातर एग्जाम 90 मार्क्स के हो रहे हैं, कुछ 80 मार्क्स के हो रहे हैं, कुछ 70 मार्क्स के हो रहे हैं। तो जो ये 90 मार्क्स के हो रहे हैं, जो मेन पेपर है जो कि मैं अभी आपको आगे डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से है, क्या पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है, तो इसका जो रेशो है 45-55 रेशो हो गया है। तो 45 जो है इसमें किसके हैं, इंटरनल असेसमेंट के हैं और दूसरा यानी कि असेसमेंट के, और 55% जो मार्क्स है वो है आपके जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के। तो ये जो आप देख रहे हैं वेटेज ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड CA इंटरनल असेसमेंट, तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर कोर्सेज रखे हुए हैं, जैसे कि ये कोर्स है BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स ऑल ऑनर कोर्सेज, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, मतलब जितने भी ऑनर्स कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा है BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कि आपके जो पेपर है मेजर एंड माइनर, ठीक है, तो आपको एक मेजर पेपर DSC एंड के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स पेपर जो है फर्स्ट, और माइनर जो है आपको दो पेपर, ठीक है।
तो ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के सेकंड एंड थर्ड पेपर। तो इसमें आपको क्या हुआ है, क्या करना है कि इसमें आईए एंड सीए, तो आईए एंड सीए टोटल, यानी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है और एनसी वेब के स्टूडेंट है तो उनसे आईए और सीए अलग अलग करके लिया जाता है। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट वाले देख रहे हैं, जो एनसी वेब वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको ये पता होगा उनका 30 मार्क्स का आईए होता है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट होता है, और सीए यानी कि 40 मार्क्स, यानी कि कंटिन्यूस असेसमेंट का 40 मार्क्स होता है, और इज इक्वल टू 70 मार्क्स, यानी कि उनका टोटल हो जाता है 70 मार्क्स का। लेकिन जो एसओएल के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट का ये जो है फ्रेगमेंट नहीं है 30-40, ये सीधा 70 मार्क्स का उनका क्या है असेसमेंट है। और आप सभी ने, जो भी एसओएल के स्टूडेंट है, उन्होंने ये चीज देखी होगी, उनका 70 मार्क्स का अभी क्या हुआ है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट जो हुआ है उनका, उस असेसमेंट को सीधा 70 मार्क्स का उनका दिया है, जो कि इससे पहली सारी बहुत सारी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है, और आंसर्स भी आपको करके दिखाए थे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है। उसमें आपको 70 मार्क्स का आपका आया था, 35 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो ये वो एमसीक्यू टाइप के थे, तो 70 मार्क्स का आपका हो गया। इसके बाद जो है जो है आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो आप अभी एग्जाम दे रहे हो, जो कि आपके 4, किसी के 3, किसी के 4 एग्जाम हो चुके हैं, और कुछ एग्जाम जो है अभी बचे हुए हैं, तो वो एग्जाम आपके हो रहे हैं 90 मार्क्स के, तो 70 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका 160, यानी कि 160 मार्क्स का आपका एक एग्जाम होगा, एक आपका एग्जामिनेशन, जो आपकी जो मार्कशीट बनेगी, ग्रेड शीट बनेगी, उसमें इसके बिहाफ पे 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 160 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पासिंग क्राइटेरिया ये नहीं है कि सीधा 40% क्राइटेरिया सीधा दे दिया है। पहले क्या होता था कि 40% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पास कर दिया जाता था, लेकिन 40% क्राइटेरिया इस बार थोड़ा चेंज है। वो चेंज क्या है कि आपको 70, यानी कि जो 70 है, इस 70 का 40%, अंडरस्टैंड, एंड 90 का 40%, यानी कि आपको इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी 40% लाने होंगे, और जो आपका ये मेन पेपर है, यानी कि जो भी पेपर आपके हो रहे हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको जो है 40% लाने होंगे, यानी कि 70 का 40% हो गया 28 मार्क्स, और 90 का 40% हो गया 36। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पासिंग, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल पास होने के लिए 160 में से 64 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। ये बेसिक क्राइटेरिया है, और दोनों में अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको लाने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ये ईच है, 40% क्राइटेरिया ईच, यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपके अभी चल रहे हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हैं सेंटर्स में जा जाकर, और दूसरा जो आपने इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन दिए हैं एसओएल स्टूडेंट के लिए, जो एसओएल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, या जो 40% क्राइटेरिया ईच, यानी कि आपको 40% 70 में से और 40% 90 में से लाने होंगे, तभी आप जो है पासिंग क्राइटेरिया को पास करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि टोटल का 40% एक अलग क्राइटेरिया है। आपको जो बेसिक ध्यान रखना है कि आपको 40% जो कि गाइडलाइंस है, ठीक है, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 40% ईच, यानी कि दोनों में अलग अलग आपको 40% लाने होंगे, यानी कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ था और एसओएल वाले जो स्टूडेंट है उनका, तो उनको क्या करना है कि 40% उसमें लाना था, तो वो इजीली आप 40% उसमें तो ला ही सकते हैं। और जो ये वाला जो आपका इंटर जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ है, हो रहा है, इसमें आपको जो है बेसिक 40% लाना ही लाना होगा। तो दोनों जो कि 70 का 40% 28 हो गया, और 90 का 40% 36, तो इस तरीके से जो ये आपका टोटल 64 मार्क्स अगर आते हैं दोनों को मिलाकर, इनके दोनों में आ जाते हैं इतने, तो जो है आप जो है किसी ना किसी तरीके से ये सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जो 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहे हैं, काफी सारे ऐसे भी एग्जाम है जो 80 मार्क्स के हो रहे हैं, तो उसमें 32 मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो अभी तक तो यही है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है कि उसमें 40% दोनों में लाना। तो अगर ये जो इंटरनल असेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो एसओएल यानी जो है कि इसको असेसमेंट को लेके नहीं आता, वो सीधा 100 मार्क्स का पेपर या 160 मार्क्स का पेपर रखता, एंड देन स्किप इट। ठीक है, तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया रहा। इसके अलावा जो है अभी ध्यान में देने वाली जो बात है वो है ग्रेडिंग सिस्टम। कंपेयर
काफी सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि 10th क्लास में हमने देखा होगा जो ग्रेडिंग सिस्टम जो थी उस ग्रेडिंग सिस्टम में, और अभी के जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें काफी सारा चेंज है। तो ग्रेडिंग सिस्टम को काफी सारे स्टूडेंट शायद पहले भी जानते होंगे जो कि ग्रेड के थ्रू आए हैं। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये थोड़ा सा चेंज है कि इसमें मार्क्स में ग्रेडिंग बेस दिया हुआ है। तो ये ड्यू ग्रेडिंग सिस्टम 23-24 यानी कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए भी है, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है और थर्ड ईयर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में से जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में है बेसिक, उनके लिए फोकस वाली बात है कि उनकी जो मार्कशीट है वो इसके ग्रेडिंग के बेस पर बनेगी, मार्क्स के बेस पर नहीं बनेगी। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये आपको नहीं शो होगा, आपको सीधा ग्रेड शो होगा। तो जैसे कि मैं आपको अगर बेसिकली बता दूं कि बेसिकली है क्या ये, तो अगर जैसे कि आपके 80-100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 80-100 मान लो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100, और आपके 80 से 100 के बीच में अगर मार्क्स रहते हैं तो आपको ओ ग्रेड मिलेगी जिसका जो न्यूमेरिकल नंबर होगा वो 10 होगा, ठीक है। अगर आपके 70-80 के बीच में आते हैं तो आपको ए प्लस और उसकी ग्रेडिंग ए प्लस होगी और आपको 9 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 9 पॉइंट मिलेंगे, मार्क्स नहीं 9 पॉइंट। इसी तरीके 60-70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें आपको ए मिलेगा और 8 पॉइंट इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 55-60, ठीक है, तो ये बी प्लस हो जाएगा, आपको इसमें 7 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप 50-55 इस तरीके से एक बी मिलेगा और ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट। तो इसी तरीके से जो अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो ये है 40, तो ये बिलो 40 है, यानी कि 40 से जिसके कम मार्क्स आएंगे, 40 से कम यानी कि 39 तक जिन भी स्टूडेंट के आएंगे उसके में एफ लिखा आएगा, और एफ मतलब होता है फेल, फेल या एबसेंट, ठीक है, उसमें मिलेंगे आपको सीधा 0, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया आपके मार्क्स जो आप अभी अभी मार्क्स दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उन पेपर के मार्क्स और आपने जो ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट दिए हैं उनके दोनों के मार्क्स कंबाइंड होंगे, फिर कंबाइंड होने के बाद ये ग्रेडिंग सिस्टम आपका बनेगा। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका जो मार्कशीट है वो इस तरीके से इस बिहाफ पे तैयार होकर आएगा। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटर ग्रेड एब्रीवेशंस, जो मैंने उधर एब्रीवेशंस आपको बताई, ओ ए प्लस ए, बी प्लस बी, तो इनका मतलब क्या है। तो ओ का मतलब होता है ग्रेडिंग सिस्टम में, ओ का मतलब होता आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसी स्टूडेंट की रही है। ए प्लस जो है एक्सीलेंट है, ए जो है वेरी गुड है, बी प्लस जो है वो गुड है, बी है वो अबो एवरेज है, और सी जो है वो एवरेज है, और डी का मतलब पास है। तो यानी कि आपको जो है मिनिमम डी तो रखना ही होगा, मिनिमम डी, और एफ का मतलब जो है वो है फेल, ठीक है। तो अगर हम ऊपर चले और यहां हम देखे तो यहां क्या है, डी ग्रेड, डी ग्रेड है बिल्कुल पास, यानी कि इसमें आपको मिलेंगे 4 न्यूमेरिकल पॉइंट्स। तो आपको जो है 40-45 यानी कि किसी स्टूडेंट के अगर 40% भी मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आ जाते हैं, तो 100 में से 40 मार्क्स, ठीक है, तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपको देखने वाली बात थी कि इसमें क्या क्या एब्रीवेशंस दी हुई है, उसके जो इंटरनल असेसमेंट है वो क्वालिफाई किस तरह होगा, किस तरीके से करना होगा, तो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर मैं पहले काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको इंटरनल असेसमेंट कैसे देना था, किस तरीके से प्रैक्टिकल होते थे, किस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं करने, क्या करना है, किस तरीके से आपको करना था। तो वो तो देखो अब टाइम बीत चुका है, जितना आपने करना था कर दिया, लेकिन इंटरनल असेसमेंट नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सेकंड सेमेस्टर में जब इंटरनल असेसमेंट करेंगे, और जो थर्ड सेमेस्टर में है वो फोर्थ सेमेस्टर में जब इंटरनल असेसमेंट करेंगे, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिला है और आपको 5 से 7 इंटरनल असेसमेंट आपके देने होते हैं। तो इस चीज को बड़ा मेक श्योर करके ध्यान दे और बहुत अच्छे से दे कि आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम जो है आप 40% मार्क्स तो लेकर ही आए, 40% थ्योरी में और 40% आपके प्रैक्टिकल में, ये बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा जो एक जो कहे कि खुश दुख दर्दी है उन स्टूडेंट्स के लिए,
जो जिस किसी कारणवश से चाहे तो प्रैक्टिकल दे नहीं पाए, जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण रहा है कि लॉगिन नहीं हो पा रही थी आईडी, दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है कि किसी तरह से सर्वर डाउन थे, थर्ड जो इशू रहा है वो ये रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था कि सबमिट कहाँ करना है, और वो जो बॉक्स थे उनको ग्रीन होना है, पर्पल करना है, ग्रीन करना है या रेड करना है, इसको किसी भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनका मैंने पता है कि जिनके दो दो अटेम्प्ट हो गए उसके बावजूद उनके जीरो लिखे आ रहे हैं। तो उसके से घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो गया सो हो गया। अब करना क्या है आपको, अभी वेट करना है रिजल्ट का। हो सकता है कि आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो किसके ऊपर, अपने एग्जाम में, ठीक है, और उसके बिहाफ पर आपको यूनिवर्सिटी पास कर दे, लेकिन गाइडलाइंस यही कहती है बट द जीरो इज ए प्रैक्टिकल देन दे विल बी कंसिडर फेल्ड इन अ प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल वाला बॉक्स यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट वाला बॉक्स आएगा सीट के अंदर, उसमें आपका फेल ही शो करेगा, जीरो ही शो करेगा, जीरो का मतलब है फेल। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हो और उसके बिहाफ पे आप उसको जो टोटल मिला के दोनों का उसमें पास कर दे। ठीक है, तो आप जो है अभी अगर जिस भी स्टूडेंट ने जो है जीरो मिला हुआ है, अभी तक इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया हुआ है, उनको घबराने वाली बात नहीं है, वो अपना एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करें, क्योंकि हर स्टूडेंट हर पेपर में बेस्ट देता है, मैं ये जानता हूं, और आपको देना है बेस्ट। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के अलावा जो अभी एग्जाम दे रहे हैं इसी एग्जाम के बिहाफ पर ही आप पास हो जाए। ठीक है, तो आपको ये जो जीरो वाला है अभी इसको स्किप कर देना है, अभी अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम चल रहे हैं उनको ध्यान में देना है, और उसको ध्यान में रखिए, अपना प्रिपरेशन करें और अच्छे से एग्जाम दे। ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आपको जीरो मिला है तो आपको फेल कंसिडर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अभी इग्नोर करें, इसको अभी छोड़ दें जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है आपका, उसमें आपको 40 मार्क्स लाने होंगे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके अलावा है प्रमोशन। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है उनके एक या दो एग्जाम छूट गए हों, और काफी सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर में इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि जिस फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर में पास होंगे तभी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। अगर आपने 4 सेमेस्टर के अंदर, कम से कम 4 सेमेस्टर के अंदर, 4 पेपर के अंदर पास नहीं हुए तो आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर वालों को बोला जा रहा है कि भाई 4 पेपर में पास हो जाइए जब भी आपको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोशन मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसी कोई गाइडलाइंस है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको 2 पेपर में पास होना पड़ेगा, 1 पेपर में पास होना पड़ेगा। अभी तक ऐसी तो कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। कोई अपने मन से बता रहा हो ये एक अलग बात है, आपको अभी फोकस करना है, अपने जितने भी एग्जाम रह गए हैं इन्हीं एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी भी 3 से 4, 2, 3, 4 एग्जाम सभी स्टूडेंट के बचे हुए हैं, उनको अच्छे से दे। अगर जितने पेपर छूट गए उनकी टेंशन ना ले, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका सेकेंड सेमेस्टर में जाने का। आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आपने एक भी पेपर नहीं दिया तब भी आप प्रमोट होकर सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, ये 100% है। इसके अलावा अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया, किसी कारणवश छूट गए, चाहे किसी बीमारी के कारण, शादी के कारण, या व्हाटएवर जो भी कारण हो जिसके छूट गए, फिर भी आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ वाले सिक्स्थ में। लेकिन जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को वो ये है जो होनी चाहिए कि जैसे कि मैं आपको बता दूं तो उसमें इस प्रकार से है कि आपको सेमेस्टर से सेमेस्टर चेंज करने में दिक्कत नहीं है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए, आप वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में जैसे स्टार्ट हुआ आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, ये अभी तक रूल है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से आपको 4 पेपर में, 5 पेपर में, 2 पेपर में, या 40% या 50%, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो ये क्राइटेरिया है 50% वाला कि 50% पेपर्स और 50% मार्क्स होने पर भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में प्रमोट होंगे, वो एक अलग चीज है। तो अभी जो है आप वो है सेमेस्टर फर्स्ट में, तो मान लीजिए आप जो सेमेस्टर फर्स्ट में हैं उनको प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जिनके पेपर छूट गए हैं, तो उनको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर छूटे हैं। हाँ, एक बात और जो ध्यान देने वाली है, वो भी सारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है कि सर क्या हमारा जो पेपर छूट गया उनका क्या होगा। ठीक है, तो
तो आपको करना क्या है, जितने भी पेपर आपके छूट गए हैं या जिन भी पेपर में आप फेल हो जाते हैं, खुदा ना करे ऐसा हो कि आप फेल हो कोई भी, लेकिन इन केस की भाई काफी स्टूडेंट जब एक ही पेज का आंसर एक ही पेज लिख के आएंगे तो उसमें जैसी बातें मार्क्स नहीं आएंगे, उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। आप कोशिश करें कि आंसर अच्छे से अच्छा लिख के आए ताकि आप पास हो सके। मान लो कि किसी पेपर को आप नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, चाहे आपकी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी, तो आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके जो पेपर छूट गए हैं वो देने होंगे आपको थर्ड सेमेस्टर में। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसी में जब जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें वो जो री वाला पेपर है वो भी आ जाएगा और आपको वो पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही है कि वो देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, लेकिन इससे आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने का जो प्रोसीजर है वो बंद नहीं होगा। वो बंद कब होगा, मान लो अब बंद होगा वो, जैसे कि आपको अभी बंद नहीं होगा वो इस तरीके से होगा कि आपने दोनों सेमेस्टर दे दिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपने दोनों कंप्लीट कर लिए। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो अब देखा जाएगा कि आपने, ठीक है, कि आपने टोटल के 50% पेपर्स जो है वो क्या कर लिए हो, क्लियर कर लिए हो। मान लो आपने सेवन 14 पेपर दिए, इनके 14 पेपर दिए, 14 में से आप 14 में से 7 पेपर में कम से कम पास होने चाहिए, 7 पेपर में, या फिर जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 7 पेपर में कम से कम, इनकी 50% आपका आना चाहिए, 50% पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए, 50% पेपर। ठीक है, तभी आप जो है सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पहुंच पाएंगे। ये बड़े ध्यान से सुन ले, यानी कि अगर जिस भी स्टूडेंट ने इस बार कोई भी पेपर नहीं दिया है अभी तक, लेकिन अभी भी 2 पेपर बच रहे हैं, 2 या 3 पेपर, तो प्लीज उन पेपर्स को दे ले ताकि आप जो है सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर दे दें, तो आपका जो है 50% पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, आप सेकंड ईयर में आराम से पहुंच जाएंगे। वो बात यहाँ लागू होती है, ना कि यहाँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाने दिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे स्टूडेंट, चाहे एक पेपर दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे सारे पेपर में टॉप किया हो चाहे सारे पेपर में फेल हुए, तब भी वो सेकंड सेमेस्टर में जाएगा, 100% जाएगा। तो ये बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चे जो है बार बार मैसेज करते हैं कि सर बताइए सर बताइए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हम सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ना सुने, वो ये देखे जो ऑफिशियल नोटिस है, क्या ऑर्डिनेंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या ऑर्डिनेंस निकाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या प्रोविजन है, उसको देखे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत देखे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नोटिस भेजने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो टीचर नहीं होते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि क्या है, क्योंकि वो पुराने सिस्टम को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं। जबकि सिस्टम चेंज हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू सिस्टम जनरेट हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग है। सेम इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का भी है, जो थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं, सीधा चले जाएंगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने का भी सिस्टम वही प्रमोशन का सिस्टम क्या है कि आपके 50% पेपर्स क्लियर होने चाहिए, 50% पेपर क्लियर है, देन जो है आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो था आपका प्रमोशन ऑन द नेक्स्ट सेमेस्टर था, तो इसमें आपको जो है क्या करना है कि अपने जितने पेपर अभी तक बचे हैं, चाहे 2 बचे हो चाहे 1 बचा हो चाहे 4 बचे हो चाहे जितने ही बचे हो, मेरे हिसाब से तो 50% पेपर तो हो चुके हैं, 50% में से 40 या 30% जो भी बचे हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से दे ले। आपको आता है तब भी दे दे, ना आता तब भी मत दे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का मुझे फ़ोन या मैसेज कुछ भी आता रहता है तो पूछते हैं कि सर मेरे पेपर की अच्छी तैयारी नहीं है, क्या मैं छोड़ दूँ पेपर। तो छोड़ना नहीं है, आपको एग्ज़ाम तो देना है, चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, अटैम्प्ट तो आएगा ना आपका, अटैम्प्ट तो लिखा आएगा, फेल से लिखा था अटैम्प्ट तो लिखा आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत की, क्या पता पास भी हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि आपको बेसिकली जो है घबराना नहीं है, पेपर छूट गए हैं तो छूट जाने दो, लेकिन जितने पेपर आपके बचे हैं आप उनको बहुत अच्छे से दें, क्योंकि अच्छे से देने से ये होगा कि आपका जो है 50% वाला जो क्राइटेरिया है दोनों सेमेस्टर का, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट ईयर का जो क्राइटेरिया है वो कम से कम कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, ग्रेडिंग सिस्टम मैंने जो आपको बताया, ये पूरी की पूरी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस का मैंने आपको ये ब्रीफ बताया है, ये पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।